अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम मेटल, जो है वो हमने देखना है। और वो जो प्रोसेस है वो हमने करना है डाउन सेल कहते हैं, या इसको एक और नाम देते हैं नेल्सन सेल। तो डाउन सेल या नेल्सन सेल से हमने क्या प्रिपेयर करना है, सोडियम मेटल को प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए काफ़ी सारे मैंने पॉइंट्स आपको बना दिए हैं, पर्पज़ डायग्राम कंस्ट्रक्शन, और फिर एक और छोटा सा पॉइंट है कि CaCl2 को क्यों ऐड करते हैं वो भी हम देखेंगे, और फिर वर्किंग उसकी, और लास्ट में ओवरऑल रिएक्शन, लास्ट में हमने उसके एडवांटेजेस को देखना है। और यही जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। तो कैसे हम NA यानी सोडियम मेटल को प्रिपेयर करते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास पर्पस, इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल। तो डाउन सेल या नेल्सन सेल किस चीज़ के लिए, किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है? डेफिनेटली हम सोडियम मेटल को प्रिपेयर करेंगे यहाँ से। तो उसके बाद है जी डायग्राम, के डायग्राम में आपने कैसे डायग्राम जो है वो बनानी है। तो सबसे पहले आप ऐसा करना कि यहाँ से ये जो डोम है ये बनाना शुरू करना, और ये डोम बना देना, देन उसके बाद जो है डोम बना के, और फिर आपने क्या बनाना है, ये वाला जो टैंक है वो बनाना है, फिर आपने ये वाला जो है ये हमारे पास क्या होगा, एनोड होगा, ये बनाना है, और फिर आपने कैथोड्स बनाने हैं, और फिर उसके बाद बबल्स दिखा के, और यहाँ पर एक जो है आयरन स्क्रीन लगा देनी है, और ये पूरी जो है हमारे पास हो जाएगी। अब इसके अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर डेफिनेटली वो ये बताएगा कि क्या क्या चीज़ें जो है वो इसके अंदर मौजूद है डायग्राम के अंदर। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के अंदर एनोड जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है, कार्बन यानी ग्रेफाइट का बना हुआ है, ठीक है जी। तो कार्बन की दो फॉर्म्स होती है एलोट्रोप्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बन की डायमंड फॉर्म भी होती है और ग्रेफाइट भी। और मोस्टली ज़्यादातर रिएक्शंस के अंदर हम क्या देख रहे होते हैं कि ग्रेफाइट को हमने यूज़ कर रखा होता है एनोड या कैथोड के तौर पर, मेटल के तौर पर, क्योंकि जो एनोड है, सॉरी ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो है वो मेटल के तौर पर बिहेव करती है। हमने पढ़ा है कि पैरेलल लाइंस में अगर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो करंट उसके अंदर से फ्लो करता है, और अगर हम परपेंडिकुलर अप्लाई कर देते हैं तो उसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता। तो यहाँ पर हमने पैरेलल डेफिनेटली अप्लाई कर रखा होगा, तो इसलिए ये एनोड के तौर पर काम कर रही है, मतलब मेटल के तौर पर काम कर रही है, तो यहाँ से जो करंट है वो गुजर सकता है, ठीक है जी। तो एनोड किस चीज़ का बना है, कार्बन यानी ग्रेफाइट का बना हुआ है। फिर उसके बाद हमने देखना है कि सर्कुलर हमने क्या मेड कर रखा है, आयरन मेड जो कैथोड हमने लगा रखा है, ठीक है जी। यहाँ पर पहले जो है वो कार्बन का एनोड है, और फिर सर्कुलर कैथोड है मेड ऑफ आयरन, ठीक है जी। तो ये वाला जो ब्लू कलर का मैंने शो किया है वो हमारे पास क्या मौजूद है, कैथोड, और ये सर्कुलर है, और डेफिनेटली ये किस चीज़ का बना होगा, आयरन का। तो एनोड जो है वो कार्बन यानी ग्रेफाइट का बना हुआ है, और कैथोड जो है वो आयरन का बना हुआ है। फिर उसके बाद है जी डोम फॉर कलेक्टिंग Cl2 गैस, ठीक है जी। अब डोम जो है वो किस चीज़ के लिए हमने बना रखा है, कि ये जो डोम जो है वो किस चीज़ के लिए बना रखे, कि जो Cl2 गैस यहाँ पर प्रिपेयर होगी या तैयार होती है, मैन्युफैक्चर होती है, प्रोड्यूस होती है, तो उनको हमने क्या करना होता है, कलेक्ट करना होता है, उसको निकालना होता है डेफिनेटली। फिर उसके बाद आ जाता है कि मोल्टन हमने क्या लेना है, NaCl लेना है, ठीक है जी, मोल्टन NaCl। तो मोल्टन NaCl जो है वो लेना है डेफिनेटली यहाँ पर। अब दो तरीके से हम NaCl को आइंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक तो उसको मेल्ट कर देते हैं, ठीक है जी। तो मेल्ट करते हैं, जब भी वो लिक्विड के अंदर जाएगा तो वो डेफिनेटली Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है वो बना देगा। दूसरा है कि हम उसको वाटर के अंदर डाल के, और फिर क्या करते हैं, हम Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने वाटर का यूज़ नहीं किया, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, मोल्टन NaCl ले रहे हैं, उसको मेल्ट कर रहे हैं लिक्विड फॉर्म में। तो जब भी लिक्विड फॉर्म के अंदर NaCl जाएगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है वो बना देगा, ठीक है जी। फिर आगे है जी अगला जो इसके अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर मेन पॉइंट है वो आयरन स्क्रीन है, ठीक है जी। ये वाली जो है हमारे पास ये क्या कहलाती है, आयरन स्क्रीन कहलाती है। तो ये जो आयरन स्क्रीन जो है वो हमने क्यों ले रखी है, डेफिनेटली इसका कोई ख़ास मकसद होता है। इसका ख़ास मकसद ये होता है कि प्रिवेंशन करती है, ठीक है जी, प्रिवेंट कनेक्शन जो है वो क्या करती है, प्रिवेंट करती है। अब कनेक्शन किस किस के दरमियान हो सकता है, डेफिनेटली ये जो सॉल्यूशंस है उनके, या एनोड और कैथोड का, और आपस में बीच में सॉल्यूशन जो होते हैं उनका भी आपस में क्या करती है, कनेक्शन को ब्रेक कर देती है। तो आयरन स्क्रीन जो है इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है, अब कंस्ट्रक्शन देख लिया हमने कि एनोड जो है वो किस चीज़ का बना होगा, ग्रेफाइट का यानी कार्बन का, कैथोड जो है वो आयरन का बना हुआ है, वो सर्कुलर है, और थर्ड पॉइंट जो हमने कहा है कि डूम जो है वो किस चीज़ के लिए होता है, Cl2 गैस को इकट्ठा करने के लिए। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है हमने देखा कि मोल्टन NaCl जो है हमने इसके अंदर डाल रखा है, और मोल्टन NaCl यहाँ से हमने क्या करना है, डालना है डेफिनेटली, ठीक है जी। तो मोल्टन NaCl जो है यहाँ से हमने क्या कर दिया, डाल दिया है। तो यहाँ पर से मोल्टन NaCl जो डाल दिया, मोल्टन NaCl का मैंने आपको बताया है कि वो मेल्टेड फॉर्म में होगा, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है वो बना देगा। फिर उसके बाद आयरन स्क्रीन का देखा है, जो कि कनेक्शन को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, या आपस में मिक्स नहीं होने देगा डिफरेंट चीज़ों को,
फिर उसके बाद है जी वाई सी ए सी एल टू इज यूज। तो हमने कहा है कि हमने कौन सा सोल्यूशन लेना है, मोल्टन NaCl, मतलब NaCl को मेल्ट करना है। अब डेफिनेटली किसी भी चीज़ को मेल्ट करने के लिए हीट चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है या टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसको मेल्ट करने के लिए NaCl को हीट चाहिए है। तो वो हीट कहाँ से आती है, हम इसके मेल्टिंग पॉइंट पर इसको हीट करते हैं। अब NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब 801 डिग्री सेंटीग्रेड थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट है, और ज़्यादा टेम्परेचर है जिसको हम इस फर्नेस के अंदर अचीव नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर CaCl2 जो है वो ऐड कर देते हैं। जब CaCl2 इसके अंदर ऐड करेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा सा लोअर हो जाता है, 600 पर आ जाता है। तो 600 पर इसको मेल्ट करते हैं तो आसानी से मेल्ट हो जाती है ये, ठीक है जी। तो पर्पज़ देख लेते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज 801 डिग्री सेंटीग्रेड एट विच फर्नेस कैन नॉट बी ऑपरेटेड, ठीक है जी। तो इस 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर फर्नेस जो है वो ऑपरेट नहीं करती। तो फिर हम करते क्या हैं, सो CaCl2 इज एडेड विच लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl फ्रॉम 801 डिग्री सेंटीग्रेड टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम CaCl2 ऐड कर देते हैं इसके अंदर, मोल्टन NaCl के अंदर। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, 801 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है, एट विच फर्नेस कैन बी ऑपरेटेड, और उस टेम्परेचर पर हम फर्नेस जो है वो काम कर सकती है। क्लियर हो जाएगी बात। तो CaCl2 का ये मकसद है कि मेल्टिंग पॉइंट को कम कर सके ताकि जो फर्नेस है वो सही तरीके से काम कर सके, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास YCaCl2 जो ऐड किया है। फिर उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन देख ली, और कंस्ट्रक्शन के बाद हमने देखना है नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास वर्किंग है, कि वर्किंग कैसे होगी। जब मोल्टन NaCl डाला है तो डेफिनेटली Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन जाएंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहला रिएक्शन ही यही है कि इन मोल्टन या फ्यूज NaCl टू आइंस आर प्रोड्यूस, दो आइंस प्रोड्यूस होंगे क्योंकि NaCl है ना, तो Na पॉजिटिव और क्या बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा, और किस टेम्परेचर पर, 600 पर। वैसे होना तो 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, लेकिन 600 पर क्यों कहा है मैंने, क्योंकि मैंने CaCl2 जो है वो ऐड कर दिया है ताकि मेल्टिंग पॉइंट उसका कम हो गया है, ठीक है जी। तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है वो आयंस बन चुके हैं। अब यहाँ पर जो है हमने देखना है कि आगे रिएक्शन होने क्या है, Na पॉजिटिव बना है और Cl नेगेटिव बना है। डेफिनेटली हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं इसके अंदर मेटल के इलेक्ट्रोड्स, एक एनोड होता है और एक क्या होता है, हमने कैथोड लगा रखा है। तो एनोड पर कौन सी चीज़ जाएगी, अब एनोड जो है उस पर ऑक्सीडेशन होती है हमेशा, ठीक है जी। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि एनोड पर हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, और कैथोड पर हमेशा क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, ठीक है जी, और Cl नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। इलेक्ट्रॉन का जो लूज होना होता है वो ऑक्सीडेशन कहलाती है, और इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होनी है, ये वाला जो एनोड है इस पर क्या होनी है, ऑक्सीडेशन होनी है। तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, जो ऑक्सीडेशन कर रहा है, वो इसके पास जाएगा, तो एनोड पर Cl नेगेटिव जाएगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऑक्सीडेशन कर सके, ठीक है जी। तो एट एनोड क्या होगा, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस Cl नेगेटिव आइंस जो है मूव्स टुवर्ड्स एनोड, और ऑक्सीडेशन जो है वो अक्कर होगी, और Cl2 जो गैस है वो बन जाएगी। जो दो Cl नेगेटिव आइन है वो क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन को देकर दो Cl के एटम बना देंगे, और CaCl मिलकर क्या बना देंगे, Cl2 का मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है जी। वैसे तो हमारे पास क्या होगा कि 2 Cl बनने थे, लेकिन यहाँ पर दो Cl जो है आपस में मिलकर क्या बना देंगे, Cl2 की गैस बना देंगे, जो कि मैंने पहले ही आपको दिखा दी है, ठीक है जी। तो ये जो है ये क्या बनेगी, गैस बनेगी, जो कि हम डोम से इसको कलेक्ट कर लेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। अब दूसरा जो है कैथोड पर, अब कैथोड पर हमने कहा है कि रिडक्शन होनी है, तो रिडक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज जाएगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखता है ना। तो यहां पर कैथोड पर क्या जाएगा, Na पॉजिटिव जाएगा, मूव टूवर्ड्स कैथोड, और वो क्या करेगा, गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड, और चेंज इंटू सोडियम मेटल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां पर जो है वो रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है जी। तो सोडियम मेटल, सोडियम आयन जो है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और सोडियम मेटल जो है वो बना देगा। और डेफिनेटली हमने इसका मकसद जो था वो क्या था, इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल। तो यही मकसद जो है हमारे पास अचीव हो चुका है, सोडियम मेटल जो है वो हमने प्रिपेयर कर ली है। तो ओवरऑल अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो 2NaCl अगर हम लेंगे तो यहाँ पर Cl2 बनेगा, और 2Na जो मेटल है सोडियम मेटल जो है वो बन जाएगी। Cl2 गैस को हम बाहर निकाल लेते हैं डोम से, और जो NaCl है यहाँ पर हम Na मेटल, सॉरी सोडियम मेटल जो है उसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे।
उसके बाद एडवांटेजेस है डाउन सेल के, तो चार पांच जो एडवांटेजेस है लिख रखे यहां पर, मैं मेन आपको दो ही करवाता हूं, क्योंकि नो मेटेलिक फोग इज प्रोड्यूस, इसके अंदर जो मेटल की फोग है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, प्योर मेटल जो है वो प्रोड्यूस होगी। फिर उसके बाद देर इज नो रिएक्शन बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड फर्नेस कंपोनेंट्स, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं Cl2 गैस, वो तो डेफिनेटली वैसे के वैसे निकल जाएगी, और जो सोडियम मेटल भी बन रही है वो फर्नेस के कंपोनेंट्स के साथ, कैथोड के साथ, एनोड के साथ, वैसे अलग से कोई रिएक्शन नहीं करती, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकती है या लूज कर सकती है, बस इतना रिएक्शन होता है, ठीक है जी। वैसे फर्नेस के कंपोनेंट जैसे कि टैंक वगैरह कह रहे हैं उसके साथ या आयरन स्क्रीन के साथ वो कभी भी रिएक्शन नहीं करेगी, ठीक है जी। और तीसरा पॉइंट अगर हम इसके अंदर एडवांटेजेस में लिखना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये जो है टेम्परेचर को लोअर कर रही है, ठीक है जी। मतलब पहले जो है अगर सोडियम क्लोराइड जो है वो मेल्ट हो रहा था 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो डाउन सेल की वजह से हमने CaCl2 को यूज़ किया और जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। तो डेफिनेटली इस एडवांटेज के अंदर आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास डाउन सेल या नेल्सन सेल के अंदर ये चार पाँच पॉइंट्स जो है वो आपने तैयार करने हैं। तो सबसे पहले आपको पर्पस का पता होना चाहिए, फिर उसके बाद डायग्राम का, फिर कंस्ट्रक्शन है, और फिर वाई CaCl2 जो है वो हमने यूज़ करी है, फिर उसके बाद हमने देखा कि वर्किंग कैसे करनी है, कि एनोड और कैथोड पर कौन कौन से काम होने हैं, फिर उसके बाद हमने कहा कि ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, और उसके बाद हमने एडवांटेजेस देख लिए कि डाउन सेल को यूज़ करने के फायदे क्या होंगे जिससे हमने सोडियम मेटल को प्रिपेयर करना है, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।